फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी अपील, लॉकडाउन के समय हम सभी को अपने घरों में रहना है, सारे दिशा निर्देशों का पालन करना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। डिफरेंशियल इक्वेशन पे आज हम जो है तीसरा वीडियो रिलीज करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बताया था। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल ऑफ सेपरेबल, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड चार मेथड हमने जो आपको बताए थे, उसमें से पहला मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो डिस्कस कर लेते हैं, हम आपको इनके वर्किंग स्टेप्स से समझाते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ d/dx इज इक्वल टू f1xy डिवाइडेड बाय f2xy। बट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं कि जितने भी स्टैंडर्ड मेथड हम पढ़ेंगे सभी में आपको दिया होगा सॉल्व। तो आपको खुद से पहचानना होगा कि किस मेथड से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे ये पहचान करनी है, आपको कैसे पता करना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आपको पहले उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, d/dx इज इक्वल टू f1xy डिवाइडेड बाय f2xy। तो इसमें क्या होगा कि आपको डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में डिग्री चेक करनी पड़ेगी। अगर डिग्री हमारी सेम होगी तो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, हमने आपको यूलर्स का जब वीडियो हमने डाला था तब हमने आपको बताया था कि ऐसे फंक्शन जिनकी डिग्री क्या हो, सेम हो, है ना। हमने आपको यूलर की डेफिनेशन, सॉरी होमोजीनियस की डेफिनेशन भी बताई थी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसको पहले इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। अब आप देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d/dx इज इक्वल टू f ऑफ y अपॉन एक्स एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लिख सकते हैं आप देखो, ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी यहां दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई को बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन हम लिख सकते हैं x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। अब कैसे लिख सकते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन हमने जो है आपको यूलर्स थ्योरम के वीडियो में बताया हुआ है। तो हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हमने ये लिखा और फंक्शन ऑफ एक्स वाई टू को हमने ये लिखा। तो x की पावर n यहां से और x की पावर n यहां से क्या होगी, कैंसिल होगी और हमें क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ y अपॉन x, क्योंकि यहां f1 है और यहां f2 है। तो जो भी फंक्शन हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। अब यहां हम करते क्या है, यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां जो सिस्टम हमारा वर्क करता है वो सिस्टम हमारा दो तरीके से वर्क करता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए हमारा जो सिस्टम वर्क करता है वो दो तरीके से वर्क करता है। यहां हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है या हमें पुट करना होता है y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। तो हमारा जो सिस्टम वर्क करेगा वो दो तरीके से करेगा, दो तरीके से, एक तो हम पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स और एक हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू v इंटू वाई। अब ये कहां यूज होगा और ये कहां यूज होगा इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आगे जो प्रॉब्लम्स सामने आएंगी उनमें हम आपसे डिस्कस करेंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे इनका हम यूज करेंगे। फिलहाल हम वर्किंग स्टेप्स समझ रहे हैं, तो वर्किंग स्टेप्स में हम इस पहले वाले से समझ लेते हैं एक्चुअल में हमें करना क्या है। हम पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, तो इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो v x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x और v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन
सेकेंड, तो dy by dx की जगह आप रख सकते हो या ऐसे लिख दें आप फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो dy by dx की जगह आपने लिखा v plus x dv over dx is equal to, लिखा हुआ है फंक्शन, तो हमने लिखा फंक्शन y upon x, तो यहां देखो आप y upon x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी v, तो हमने यहां लिख दिया फंक्शन ऑफ v। आप देखो ये भी v का फंक्शन है, ये भी v का फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं x dv over dx is equal to function of v minus v। देखिए आप ये v है और ये v है, आप क्या करेंगे apply the method of variable separable, यहां variable separable का method अगर हम apply करते हैं तो ये देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये v का function यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा dv divided by function of v minus v is equal to, इस x का फंक्शन इस तरफ लेके आओगे तो 1 upon x into dx, तो ये हमारे क्या हुए वेरिएबल सेपरेट हो गए जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उसमें स्टेप्स हमें मालूम है कि वेरिएबल अगर सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स हम दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ वी माइनस वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम सबको समझ में आ रहा है, प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं ये इंटीग्रेशन आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि हमें इस कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई कैसे करना है। तो हम देख लेते हैं एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू y upon x प्लस 10 y upon x। आपको याद होगा वर्किंग स्टेप में हमने कहा था कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इज इक्वल टू f1xy डिवाइडेड बाय f2xy। तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जिसे हमें सॉल्व करना है, तो उसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्मेट में दी है ना, तो फॉर्मेट को बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एक बार ये चेक कर लें कि क्या ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगी, तो आप देखो ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इसके बाद हम चेक करने वाले हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या चेक करना है, हमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में डिग्री चेक करनी है। तो आप डिग्री जरा देखें, ऊपर डिग्री 1 है और यहां भी डिग्री क्या है 1 है, यहां डिग्री 1 है और यहां भी डिग्री क्या है 1 है। तो मतलब ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये कैसा है होमोजीनियस है। अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो आपको मालूम है कि सिस्टम हमारा वर्क करता है दो तरीके से, या तो हम y is equal to vx पुट करते हैं या x is equal to vy। तो कैसे पुट करते हैं, कब कहां क्या पुट करना है वो हम आपको बताते चलेंगे। अभी फिलहाल हम यहां क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और यहां हम पुट करने वाले हैं या सब्सटीट्यूट करने वाले हैं y is equal to vx। जब y equal to vx करेंगे तो dy by dx क्या होगा, आप देखो v x का डिफरेंशिएशन 1 x और v का डिफरेंशिएशन dv over dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं। तो dy by dx की जगह हम पुट करेंगे v प्लस x dv over dx इज इक्वल टू, देखिए बेटा यहां लिखा हुआ है y upon x, तो यहां से अगर y upon x की वैल्यू निकाले तो इसकी जगह हम v लिख सकते हैं। देखो आप ये x को आप नीचे लेके आओगे तो y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू v प्लस लिखा हुआ है tan yx, सेम yx तो लिख सकते हैं इसको tan v, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करने से पहले ये v से v हमारा क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है ना। अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो इसको हम पहले लिख रहे हैं dv ओवर dx इज इक्वल टू tan v, तो आप इसको लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाय tan v इज इक्वल टू 1 अपॉन x into dx। नाउ अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल, तो आपने क्या किया यहां वेरिएबल सेपरेट कर लिए, v के फंक्शन इधर और x के फंक्शन इधर, सबको मालूम है। क्या करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स
ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। बहुत आसान प्रॉब्लम से है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो भी वर्किंग स्टेप्स हमने बताए हैं केवल आपको उन्हीं को रखते जाना, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तो देखो आप इंटीग्रेट कर रहे हो और 1/10 को आप लिख सकते हो cot v into dv is equal to 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x into dx और एक कांस्टेंट आएगा हमारा c। अब cot v, तो cot v का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है log sin v is equal to 1/x आपका होगा log x और प्लस एक कांस्टेंट होगा log c। तो ये देखो दिया हुआ है log m प्लस log n, इसको हम लिख सकते हैं log sin v is equal to log m प्लस log n, तो होगा log m into n तो x into c। अब देखो log log है तो हम इसको लिख सकते हैं sin v is equal to x into c। अब देखो v is equal to हमने आपको x और y के टर्म में आंसर देना होगा, तो यहां v की वैल्यू क्या है y upon x, तो आपको v की जगह रखना पड़ेगा y upon x is equal to x into c। तो आप इसको क्या मान सकते हैं, या तो आप इसको आंसर मान सकते हैं। तो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम है, देखिए आप बहुत आसान प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर हमने चेक किया कि अगर डिग्री सेम है मतलब हम होमोजीनियस वाला अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इसमें पुट y इज इक्वल टू वी एक्स किया, इसको डिफरेंशिएट किया, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट की और इनको हमने वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स और इसको सॉल्व कर दिया। एक अनदर प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड प्रॉब्लम। सॉल्व x x माइनस y dy प्लस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू जीरो। सेम आप देखिए इस प्रॉब्लम को आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं कर सकते, आप रिड्यूस भी नहीं कर सकते वेरिएबल सेपरेबल में, क्योंकि रिड्यूस के लिए हमने कहा था कि रिपीटेड टर्म होने चाहिए, जैसे x माइनस वाई दिया है तो इसका एक और रिपीट टर्म होना चाहिए, तो आप वो वाला मेथड भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस। तो आप देखिए क्या होमोजीनियस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो होमोजीनियस से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा। तो हम पहले इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले इसको लिखेंगे x x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप देखें इसको लिखते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स और एक्स माइनस वाई। आप देखिए जरा चेक कीजिए क्या दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री सेम है। आप ऊपर चेक करेंगे कि y की डिग्री क्या दी हुई है, दो दी हुई है। नीचे देखें आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो एक और एक दो, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, मतलब होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, और नाउ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू v इंटू x, और y इक्वल टू vx करेंगे तो आप सबको मालूम है कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, v प्लस x dv ओवर dx। क्या किया, दो फंक्शन है दोनों को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये दोनों वैल्यूज जो है हम यहां क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट किया इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर, तो y की जगह हमें vx रखना है तो हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय। आप देखिए ये लिखा हुआ है x, तो x लिखा रहने दिया, ये भी x लिखा है, y की जगह हमें रखना है vx, तो हमने यहां लिख दिया v इंटू एक्स। क्लियर है, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर x स्क्वायर। यहां एक x पहले से बाहर है और यहां से एक x कॉमन आ रहा है, तो x और x मिलकर x स्क्वायर हुआ और अंदर बचा आपका 1 माइनस v। आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो यहां x dv ओवर dx, देखिए ये v का टर्म है तो हम इसको v की साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर 1 माइनस v और माइनस का v। आप इसको लिख सकते हैं x dv ओवर dx, एलसीएम ले लें 1 माइनस v आएगा, तो ऊपर जो बच रहा है वो हमारा बच रहा है माइनस का v स्क्वायर, और यहां जब आप रखेंगे तो ये आपका होगा माइनस का v
और प्लस का हो जाएगा वी स्क्वायर। ये देखो आप वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हुआ आपका कैंसिल हुआ। हम इसको फिर से लिख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है x डीवी ओवर डीएक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है माइनस का v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। तो यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं v माइनस 1। तो अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाय v माइनस 1। नाउ अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल, हम यहां वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। जब वेरिएबल सेपरेट हम करेंगे तो आप देखो कैसे वेरिएबल सेपरेट होंगे, इसको आप यहां लेके आएंगे तो v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v इंटू डीवी इज इक्वल टू, इस x को नीचे लाएंगे तो dx डिवाइडेड बाय x। देखिए ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, देखिए आप ये v और ये x, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हमने क्या किया दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो v को इससे डिवाइड करना और इससे भी डिवाइड करना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन v इंटू डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू dx और प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा हमारा c। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन होगा v माइनस 1 अपॉन v होगा आपका log v इज इक्वल टू 1 अपॉन x आपका होगा log x और प्लस कॉन्स्टेंट c है तो इसको भी हम log के टर्म में लिखेंगे log c। अब आप देखें जरा इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू log x प्लस log c प्लस log v, इस log v को मैं राइट साइड लेके गया तो आप देखें ये लिखा हुआ है log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो ये आप जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आप इसको लिख सकते हो log x c इंटू v, क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हो log को इस तरफ लेके आओगे तो e की पावर v इज इक्वल टू x c v या c x v, क्लियर है? अब हमें मालूम है कि हमें आंसर्स जो निकालना है, जो सॉल्यूशन निकालना है वो x और y के टर्म में निकालना है। तो यहां v की वैल्यू हमें फिर से पुट करनी पड़ेगी तो v इज इक्वल टू होगा हमारा y अपॉन x। तो यहां देखो आप जब पुट करोगे तो e की पावर v की जगह आप पुट करोगे y अपॉन x तो होगा y अपॉन x इज इक्वल टू सी एक्स और यहां v की जगह हमने रखा y अपॉन x, तो x से x हमारा क्या हुआ कैंसिल हुआ। तो इसको आप लिख सकते हो सी वाई इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 1 अपॉन c e की पावर y अपॉन x, ये होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक अनदर प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, तो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दी हुई है सॉल्व 1 प्लस ई की पावर x अपॉन y dx प्लस ई की पावर x अपॉन y 1 माइनस एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था कि आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा dy बाय dx इज इक्वल टू, लेकिन हमने आपसे कहा था कि हमारा सिस्टम यहां दो तरीके से वर्क करेगा y इज इक्वल टू vx और x इक्वल टू vy। तो टाइम आ गया है हम आपको ये सेकंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहे हैं कि x इक्वल टू वी वाई आपको कब पुट करना है। तो यहां आप देखें ध्यान से ये लिखा हुआ है e की पावर x अपॉन y, तो यहां अगर y की जगह आप vx पुट करते हो तो ये फंक्शन बन जाएगा e की पावर 1 अपॉन v, और अगर ये e की पावर एक्स वाई है और x की जगह आप वी वाई पुट करते हो तो y से y कैंसिल होकर बनेगा e की पावर v, तो ये इजी बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी x अपॉन y का टर्म हमें दिया हो तो हमें यहां dy बाय dx ना बना के हमें dx डिवाइडेड बाय dy बना लेना चाहिए, है ना? तो क्या होगा आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx इक्वल टू माइनस e की पावर सॉरी x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y इंटू dy। अब देखो हम इसको dx डिवाइडेड बाय dy के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हो गया dx डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम अप्लाई करते थे y इज इक्वल टू vx, लेकिन अभी हमने यहां dx डिवाइडेड बाय dy लिखा, इससे पहले हम लिखते थे dy बाय dx तो हम मानते थे y इज इक्वल टू vx, लेकिन हमने लिखा dx डिवाइडेड बाय dy
तो यहां हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू वी वाई। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू वी इंटू वाई। तो देखो x इक्वल टू वी वाई लिखेंगे तो यहां जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा डी एक्स डिवाइडेड बाय y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू वी वाई का वन प्लस y और v का करोगे किसके रिस्पेक्ट में, v का करोगे आप y के रिस्पेक्ट में, है ना। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में ये सारी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। तो dx डिवाइडेड बाय dy, तो dx डिवाइडेड बाय dy की जगह v प्लस y dv डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन y। तो यहां से x अपॉन y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी v, हमने लिखा v 1 माइनस x अपॉन y, तो x अपॉन y होगा v, तो 1 माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x अपॉन y वैल्यू होगी v। क्लियर है। अब देखो ये भी v का टर्म है तो इस v का टर्म भी हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो इसको लिख सकते y dv ओवर dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर v 1 माइनस v और 1 प्लस ई वी माइनस वी। एलसीएम ले लेते हैं तो y dv ओवर dy इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस ई की पावर v, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई की पावर v माइनस माइनस प्लस v ई की पावर v। अब देखो ये v है तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v और माइनस का e की पावर v इंटू v। आप देखिए ये माइनस प्लस आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो ये माइनस का टर्म और ये प्लस का टर्म हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, वाई डीवी ओवर डी वाई इज इक्वल टू, यहां से हमें मिल रहा है माइनस का ई की पावर वी प्लस वी डिवाइडेड बाय वन प्लस ई वी। नाउ अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल, हम यहां क्या करेंगे वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये देखो 1 प्लस e की पावर v इस तरफ जाएगा, ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर v प्लस v और ये टर्म होगा dv इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन y इनटू dy। आप देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो इंटीग्रेशन हम यही लगा देते हैं और यहां एक कांस्टेंट हमें क्या मिलेगा c, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो हमने इंटीग्रेशन यही लगा दिया और एक कांस्टेंट आया हमारा c। अब आप ध्यान से देखेंगे जरा हमें क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व होगा, हमें यहां दिया हुआ है e की पावर v प्लस v, तो e की पावर v प्लस v को हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, तो हमने माना e की पावर v प्लस v इज इक्वल टू t, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा e की पावर v प्लस v का 1 और इज इक्वल टू dt dv इज इक्वल टू dt। तो आप देखें ये लिखा हुआ है 1 प्लस e की पावर v dv, तो 1 प्लस e की पावर v dv की जगह हम रखेंगे dt, तो मतलब ये हो जाएगा आपका dt डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 1 अपॉन y dy प्लस कांस्टेंट c, तो 1 अपॉन t होगा आपका log t और t की जगह आपको रखना पड़ेगा e की पावर v प्लस v इज इक्वल टू 1 अपॉन y आपका होगा log y प्लस c को हम लिख सकते हैं log c, क्योंकि log का टर्म चल रहा है तो log के फॉर्म में हमने लिख दिया। आप देखें जरा ये हो गया log e की पावर v प्लस v इज इक्वल टू log n प्लस log n, तो होगा log n इंटू n, log से log कैंसिल हुआ तो e की पावर v प्लस v इज इक्वल टू y इंटू c। लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए, x और y के टर्म में, तो यहां v की जगह हमें रखना पड़ेगा x अपॉन y, तो आप यहां रखेंगे e की पावर x अपॉन y प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू y इंटू c। तो आप चाहें तो एक आधा स्टेप और सॉल्व होगा, अदरवाइज यहां भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको पढ़ाएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
थैंक यू वेरी मच।